नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार मेहरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 23 नवंबर और इस समय मैं जा रहा हूं एक शादी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे इस चैनल में लगातार आपको पहाड़ी शादी विवाह की वीडियो देखने को मिलती है। और ये जो सीज़न है दोस्तों नवंबर का, ये शादियों का काफ़ी अच्छा सीज़न है। इस बार कोरोना की वजह से जो शादियां पोस्टपोन हुई थी, वो सारी शादियां अभी इस समय हो रही हैं। और मैं अभी जा रहा हूं अपने देवभूमि उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक का एक गांव है चुचेर, और चुचेर का एक राजस्व गांव आता है ठेली, जो कि काफ़ी दुरुस्त गांव है और सड़क से काफ़ी दूरी पर बसा हुआ गांव है। तो वहां हम लोग जा रहे हैं। आज वहां पे महिला संगीत है और कल वहां पे यानी कि 24 नवंबर को शादी होनी है। तो मैं अभी निकला हूँ धर्मगढ़ से, करीब 4 किलोमीटर आगे जो पत्थरखानी पड़ता है वहाँ तक हम लोग अपनी गाड़ी से गए और वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ठेली के लिए, जो एक पुराना रास्ता है, वहाँ से हम जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरा भांजा भी है जो कि मेरे साथ फ़ोटोग्राफी करता है, और हम दोनों लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ठेली गांव में जाकर हमारे पहाड़ों की गांव घरों की जो शादी होती है किस प्रकार से होती है, उसकी मैं पूरी वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो अभी जहाँ पर मैं हूँ, ये वो जगह है जो कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा कहलाती है। और ये जो ऊपर आप ये चट्टान देख रहे हैं, यहाँ से ठीक नीचे को बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से जो पीछे को ये आप दीवार देख रहे हैं, जो ये बाउंड्री बनाई गई है, यहाँ से नीचे को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी मैं पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के एकदम बीच में हूँ, सीमा में हूँ, और अब यहाँ से मुझे जाना है। ये पीछे आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, जो कि ठेली के लिए जा रहा है, और यहाँ से करीब लगभग 3 किलोमीटर एकदम डाउन हमको जाना है, तब जाकर हम ठेली गांव में पहुँचेंगे। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर। कभी भी हम लोग ऐसे पहाड़ों में चलते हैं पुराने पौराणिक रास्तों में, तो इस प्रकार के मंदिर हमको जगह जगह पर दिखाई देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे इस चैनल में आप सभी को सबसे ज़्यादा जो वीडियो दिखाई देती हैं वो शादी विवाह की वीडियोस होती हैं, और उसके अलावा कभी कभार आप किसी अन्य धार्मिक आयोजन की या फिर कहीं मंदिरों की वीडियोस आप देखते हैं, किसी मेले महोत्सव की वीडियो देखते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम वीडियोस मेरे इस चैनल में रहती हैं वो पहाड़ी शादी विवाह की वीडियो रहती हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग देते हैं, अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और ये देख सकते हैं आप, एकदम घना जंगल है, और इस घने जंगल के बीच से होकर जाता है ठेली के लिए रास्ता। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा सामने का व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। आप सामने गांव देख रहे हैं दोस्तों, सबसे ऊपर जो ये आप गांव देख रहे हैं सामने, ये है द्वारी जो कि मेरा गांव है, और इस गाँव के बीचों बीच एक सड़क आ रही है सामने। ये जो सामने वाला गाँव है चुचेर गांव के बीचों बीच जो सड़क आ रही है, ये धर्मगढ़ मास्केट मोटर मार्ग है। अगर हम लोग बाय रोड आते, गाड़ी से आते, तो हमको गाड़ी से उतरकर करीब 3 या 4 किलोमीटर चढ़ाई आनी पड़ती है एकदम नीचे से ऊपर यहाँ ठेली के लिए, जो कि ये आप देखिए ठेली, जो ये यहाँ पे आपको एक दो बंजर मकान दिखाई दे रहे हैं, इसके ठीक नीचे पर ठेली है और सड़क से काफ़ी दूरी पर स्थित है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सड़क से ना आने के बजाय हम लोग पैदल मार्ग से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमको ठेली जाने के लिए काफ़ी आसान रहता है, यहाँ से चढ़ाई नहीं लगती है, एकदम डाउन है। और जब हम वापस परसों को या कल रात को वापस जाएंगे तो हम ठेली से नीचे सड़क में जाएंगे, ये जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से हम फिर गाड़ी से अपने धर्मगढ़ के लिए निकलेंगे।
मामजू पहला बागान में बार है यार पीटी बनानी इनार बढ़िया दिखेना नी कदी हैं बगार कदू हैं अब गिनती गणू में इनार दे ना होने बड़े आदमी ब्याल का हालत है वो बाल का है अरे अच्छा चल जा। तो ये जो बकरियों की वीडियो आपने देखी ये इसी गांव की बकरियां हैं और इन बकरियों के जो मालिक हैं वो हैं श्री हीरा सिंह कोरंगा जी जो कि रिश्ते में मेरे मामा जी भी लगते हैं और इनके पास करीब 50 से अधिक बकरियां हैं और ऐसे ही इस ठेली गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पशुपालन करते हैं बकरी पालते हैं इसके अलावा गाय भैंस पालते हैं और घी बनाकर घी बेचते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं खेतों में सब्जी उगाते हैं सब्जी बेचते हैं और इसी प्रकार खेती करके पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो आगे को हम लोग निकल रहे हैं और आगे को भी मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको दिखाते रहूँगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Finally, हम लोग पहुंच चुके हैं ठेली गांव में और ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं इसी घर में हमको जाना है। यहीं पे शादी है आज महिला संगीत शाम को मेहंदी और कल यहाँ से शादी जाएगी सामा बागेश्वर के लिए और कल शाम को शादी जो है वापस आएगी उसके बाद हम लोग कल रात को या फिर परसों को यहाँ से अपने घर के लिए जाएंगे। तो ये आप देखिए एक सुंदर सा गांव सामने चुचेर के बीच से एकदम ये आप देख सकते हैं सड़क जो कि माछखेत के लिए जा रही है और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये चुचेर गांव है और ये ठेली भी जो है चुचेर ग्राम पंचायत का ही एक राजस्व गांव है। और ये आप देखिए नीचे खेत हैं और यहाँ पे मकान है। थोड़ी देर में यहाँ पे टेंट इत्यादि भी आ जाएगा मकान की पूरी आंगन की सजावट की जाएगी उसके बाद मैं सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली हम लोगों ने दिन का खाना भी यहाँ पे खा लिया है। मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग यहाँ पे लगभग 2 बजे पहुँच चुके थे और जब हम यहाँ पे पहुँचे उसके बाद हमने चाय पी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलकर आए थे, थकान हुई थी, तो हमने थोड़ा सा आराम किया और आराम करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाना भी खा लिया है। और अभी थोड़ी ही देर बाद जैसे ही यहाँ पर टेंट का सामान पहुँचता है तो उसके बाद टेंट लगने के बाद यहाँ पर महिला संगीत का कार्यक्रम शुरू होगा और अभी तक यहाँ पर टेंट का सामान नहीं पहुंचा है क्योंकि सड़क से इस गांव की दूरी बहुत ज़्यादा है तो गांव के लोग टेंट का सामान लाने के लिए सड़क तक गए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक पंडित जी भी यहां पर नहीं आए हैं। जैसे ही पंडित जी आएंगे यहां पे टेंट का सामान आएगा, टेंट सेट होगा और उसके बाद यहां पे महिला संगीत का प्रोग्राम शुरू होगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते रहें और मैं आप सभी को आज रात मेहंदी तक का पूरा प्रोग्राम इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। Thank you.
तो दोस्तों मेरे ठीक पीछे ये आप देख रहे हैं, मकान की पूरी सजावट हो चुकी है और जो टेंट की मैं बात कर रहा था, टेंट का सामान नहीं पहुंचा है जिस वजह से महिला संगीत का कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है। तो टेंट का सामान भी पहुंच चुका है, टेंट लग भी चुका है और डीजे भी बज चुका है और पंडित जी भी पहुँच चुके हैं। अब थोड़ी ही देर बाद आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले गणेश पूजा होगी, उसके बाद हल्दी, फिर स्वालपुथाई और उसके बाद महिला संगीत और रात को फिर मेहंदी। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आज इस ब्लॉग के माध्यम से अपने कुमाऊँ की संस्कृति को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देश विदेश तक पहुँचाने की। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, आप इस वीडियो को शेयर करते रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब मैं यहाँ से आगे को आप सभी को दिखाऊँगा अपने कुमाऊँ की, अपने उत्तराखंड की संस्कृति, पहाड़ी शादी विवाह की एक छोटी सी झलक। तो आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपने कुमाऊँ की शादी विवाह की एक छोटी सी झलक।
तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया है अपने कुमाऊं की, अपने पहाड़ की संस्कृति को आप सभी के सामने लाने का। और आप सभी ने देखा कि मैंने आज पहाड़ के एक शादी समारोह में जाकर इस शादी समारोह की विशेष झलकियों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाया। और आपने देखा कि किस प्रकार से एक दुरुस्त गांव में, हमारे पहाड़ों में, एक शादी समारोह का आयोजन किया जाता है, कैसे लोग तैयारी करते हैं। और अभी रात को करीब 12 बज चुके हैं और हमारे सोने का समय हो चुका है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस शादी समारोह का जो अगला पार्ट होगा, यानी कि जब हम कल सुबह उठेंगे, तो कल सुबह उठने से लेकर बारात प्रस्थान से लेकर बारात के दुल्हन के घर पहुंचने से लेकर वापस दूल्हे के घर पहुंचने तक की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि हम लोग यहां पे फोटोग्राफी के लिए गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा समय ब्लॉगिंग करने के लिए हमको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में समय निकाल कर आप सभी को अपने पहाड़ की, अपने उत्तराखंड की, अपने कुमाऊँ की संस्कृति से रूबरू करा सकूँ। और जो हमारे पहाड़ों में शादी विवाह होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में आप सभी को बता सकूं। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप मेरी हर वीडियो समय पर देख सकें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।